मौसम विभाग ने इन शहरों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। जाने मानसून के बाद भी क्यों हो रही बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने बारिश की शंका जताते हुए मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के बीत जाने के बाद भी हो रही बारिश के पीछे लारिनो है। मुंबई में जमकर बारिश हो रही है, इससे यहाँ का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिसका असर यातायात पर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां अंधेरी सबवे में यातायात ठप है, वहीं सेंट्रल रेलवे ने अपने जोन में लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी है। मौसम विभाग ने बीते दिनों भारी बारिश की शंका जताते हुए मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यहां गरज के साथ हल्के से मध्यम श्रेणी की बारिश दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। आमतौर पर मानसून का मौसम सितंबर से आखिर तक बना रहता है, लेकिन मानसून के लौट जाने के बावजूद भी इतनी तेज बारिश होने के पीछे का कारण लानिनो इफेक्ट को बताया जा रहा है। इसके चलते भारत में लगातार चौथे वर्ष मानसून के लिए तय समय के बाद भी सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। मालूम हो कि प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में जैसे जैसे बदलाव देखने को मिलता है, दुनिया में मौसम का रुख भी वैसे वैसे बदलता जाता है। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक है अल नीनो और दूसरा लानिनो। अल नीनो की वजह से तापमान गर्म हो जाता है और लानिनो के कारण बारिश अधिक होती है, ठंड ज्यादा पड़ती है। इन दोनों का क्रम 9 से 12 महीने के अंतराल में चलता रहता है। लानिनो में प्रशांत महासागर की सतह का तापमान काफी ठंडा हो जाता है, इसका असर भारत की मानसून पर पड़ता है। भारत में कितनी बारिश, कब तक होगी, ठंड कितना पड़ेगा, ये सारा कुछ लानिनो पर निर्भरशील है। वही अल नीनो में प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म पानी की उपस्थिति देखने को मिलती है। इस दौरान पानी के तापमान में सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक देखने को मिलती है। इसके प्रभाव से कम बारिश वाले क्षेत्रों में अधिक और अधिक वाले क्षेत्र में कम बारिश होती है।